नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऋषभ राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर हार्ट और आपका इस समय की न्यूज अपडेट्स की वीडियो में स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं जो कि आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आज नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव है। भारतीय समय के मुताबिक वोटिंग सुबह 8:30 बजे शुरू हुई जो शाम को 5:30 बजे तक चलेगी। पाकिस्तान में 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इस साल देश में करीब 12.8 करोड़ मतदाता है जो बैलेट पेपर के जरिए अपना मत डालेंगे। देर रात तक नतीजे सामने आ सकते हैं। चुनाव आयोग अधिकारी तौर पर 9 फरवरी को नतीजों की घोषणा हो सकती है। चुनाव के दौरान पूरे पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमने सरकार से इंटरनेट सर्विस बंद कराने के सिलसिले में कोई बात नहीं की थी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 266 पर चुनाव हो रहे हैं जबकि 70 सीटें रिजर्व्ड 60 महिलाओं के लिए, 10 गैर मुस्लिमों के लिए। आर्थिक तंगी के बावजूद पिछले 4 चुनावों की तुलना में पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। आपको भी बता दिया जाए कि पाकिस्तान में आर्थिक मंदी से बुरे हाल चल रहे हैं। इमरान खान को भी साथ में जेल में डाल रखा है। अगला बड़ा न्यूज अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश से, जहां पर चौधरी और भाजपा हाथ मिला सकते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही साथ सियासी दलों की गतिविधियां भी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी को अपने साथ जोड़ने की योजना बना ली है। इसकी पुष्टि जयंत चौधरी से जुड़े सूत्र कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की ओर से आरएलडी से तालमेल के लिए भाजपा और अपना दल एएस गठबंधन के फॉर्मूले को आधार बनाया है। आरएलडी को लोकसभा की 2 सीटों के साथ केंद्र में मंत्री और यूपी की योगी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह और एक एमएलसी का पद दिया जा रहा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के 2 सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल एएस राज्य के साथ ही केंद्र सरकार का हिस्सा है। अपना दल के विधायकों की संख्या आरएलडी से अधिक है। भाजपा उत्तर प्रदेश में अपना दल के लिए 2 सीटें देकर व निषाद पार्टी के उम्मीदवार को अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ाकर जिता चुकी है। अगला बेहद दुखद अपडेट सामने आ रहा है अमेरिका के इंडियाना स्टेट से। अमेरिका में भारतीय छात्रों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच इंडियाना राज्य में स्थित प्रतिष्ठित पर्ड्यू विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा एक भारतीय छात्र इस हफ्ते मृत पाया गया। इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। अधिकारियों ने बताया कि छात्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। उसके सिर में गोली लगी है। पर्ड्यू विश्वविद्यालय की एक समाचार एजेंसी के अनुसार समीर कामत को 5 फरवरी की शाम करीब 5 बजे मृत पाया गया था। उनका शव विश्वविद्यालय के क्रोग्रोव में निशेष भूमि ट्रस्ट पर मिला था जो कि एक प्रकृति संरक्षित क्षेत्र है। वॉरेन काउंटी के कोरोनर जस्टिन ब्रूमेट ने बुधवार को बताया था कि इंडियाना के क्रॉफ्टर्सविले में 6 फरवरी को कामत का फोरेंसिक पोस्टमार्टम किया गया था जिसमें उन्होंने बताया कि यह केस एक आत्महत्या का केस है। हालांकि एक रिपोर्ट इस मामले में अभी और सामने आनी है। कामत की मौत के कारण के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने से पहले उसके परिवार को बता दिया गया था। आपको बता दिया जाए कि 2025 में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिलनी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले। अगला अपडेट है कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार आज यानी कि 8 फरवरी यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर व्हाइट पेपर पेश कर सकती है। इसे लेकर कांग्रेस मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर ला रही है। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लैक पेपर पेश करेंगे। बुधवार 7 फरवरी को भाजपा सांसद और सांसदीय फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जयंत सिन्हा ने कहा था कि सरकार के व्हाइट पेपर में 2014 से पहले की खराब अर्थव्यवस्था का जिक्र होगा। साथ ही बताया जाएगा कि पीएम मोदी ने 2014 के बाद कैसे आर्थिक स्थिति बदली। अब आपको बता दिया जाए कि ये व्हाइट पेपर होता क्या है। व्हाइट पेपर एक रिपोर्ट होती है जिसमें सरकार की नीतियों और मुद्दों की चर्चा होती है। सरकार व्हाइट पेपर अक्सर तब लाती है जब उसे किसी मुद्दे पर निष्कर्ष निकालना होता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के व्हाइट पेपर लाने से सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ हमला करने का हथियार मिलेगा। उसके ऊपर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐड किया कि हम सबका साथ सबका विकास फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जागी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। सबका साथ सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का पलटवार कैसा होगा। जैसे ही कांग्रेस पलटवार करती है उसी समय आपको खबर 8 के ऊपर इसके अपडेट्स मिल जाएंगे। पिछले कल आपको अपडेट मिल गया होगा कि उत्तराखंड बना यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ध्वनिमत से पास हो गया। इसी के साथ उत्तराखंड सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया। बिल पास होने के बाद सीएम धामी ने कहा, आज का दिन उत्तराखंड के लिए विशेष है। पीएम मोदी के एक श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा होगा। सीएम धामी ने 6 फरवरी को बिल पेश किया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था। चलिए आपको बताते हैं कि इस कानून से क्या बदलाव होंगे। इस बिल के कानून बनते ही लिव इन में रह रहे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर सजा हो सकती है। इसके अलावा बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। किसी व्यक्ति की मौत के बाद संपत्ति पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरित होगी। पति पत्नी को तलाक भी तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे हो। तो चलिए ये थे आज के कुछ मेजर अपडेट्स। देखते रहिए खबर हार्ट, बने रहिए हमारे साथ ताकि हम आपको इसी तरह से अपडेटेड रख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी पत्रकारिता कैसी लगी।
जाएगी। मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट्स में, क्योंकि अगर बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। धन्यवाद।